नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डिपॉजिट रिसिप्ट जो इशू की जाती है. जो डिपॉजिट रिसिप्ट इशू आता है वो स्पॉन्सर्ड इशू भी हो सकता है और अनस्पॉन्सर्ड इशू भी हो सकता है. नाउ फिर दोबारा समझिए, एक होता है स्पॉन्सर्ड इशू और एक होता है अनस्पॉन्सर्ड इशू. अगर इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंसिएशन करें तो देखिए क्या डिफरेंस है. एक्चुअली जो स्पॉन्सर्ड इशू होता है उसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है. इट मीन्स जो इंडियन कंपनी है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है. लेकिन जो अनस्पॉन्सर्ड इशू होता है उसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. कैसे समझते हैं, पहले हम समझेंगे व्हाट डू मीन बाय स्पॉन्सर्ड इशू. स्पॉन्सर्ड इशू क्या होता है? एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन स्टॉक एग्रीमेंट. इसका एक स्टॉक एग्रीमेंट होता है और स्टॉक एग्रीमेंट किसके साथ होता है? ओडीबी के साथ. स्टॉक एग्रीमेंट किसके साथ होता है? ओडीबी के साथ. ओडीबी मीन्स ओवरसीज डिपॉजिटरी, ओडीबी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक. इट मीन्स यहाँ पे जो इशुइंग कंपनी है उनका एक स्टॉक एग्रीमेंट साइन होता है किसके साथ? ओडीबी, जो कहां पे है? आउटसाइड इंडिया, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक. और फिर उसके बाद डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की जाती है. एक्चुअली ये दो तरीके का हो सकता है. कैसे? वन इज अ कैपिटल रेजिंग एंड अदर वन इज अ नॉन कैपिटल रेजिंग. नाउ कैपिटल रेजिंग और नॉन कैपिटल रेजिंग में क्या अंतर है? कैपिटल रेजिंग में क्या होता है कि यहां पे कंपनी, कैपिटल रेजिंग के केस में कंपनी इशू करती है, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज. कंपनी फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज का और वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास सबमिट करा देती है. डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इंस्ट्रक्शन देता है किसको? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक किसको इंस्ट्रक्शन देता है? ओडीबी को. और वहां पे ओडीबी आउटसाइड इंडिया में जो डिपॉजिटरी है वो वहां पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देती है. ओडीबी जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है उसके बदले जो फंड आता है वो इशुइंग कंपनी के पास चला जाता है. वो किसके पास चला जाता है? इशुइंग कंपनी के पास. तो ये तो है कैपिटल रेजिंग. कैपिटल रेजिंग कैसे हुआ? कंपनी ने फ्रेश इशू लेके आई, नए शेयर्स इशू किए और वो सारे सबमिट कर दिए इंडिया में ही डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास. और उसी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक ने जो अंडरलाइन शेयर्स उनके पास रखे हैं उसी का इंस्ट्रक्शन दिया किसको? ओडीबी को. ओडीबी ने ऑन बिहाफ ऑफ इशुइंग कंपनी अंडरलाइन शेयर्स के बेसिस पे आउटसाइड इंडिया वहां पे इशू कर दिया क्या? डिपॉजिटरी रिसिट, एडीआर और जीडीआर एज अ केस में भी वहां पे डिपॉजिटरी रिसिट इशू किया. वहां से जो फॉरेन करेंसी आई, बिकॉज डिपॉजिटरी रिसिट इन डॉलर डिनोमिनेटेड, वहां से जो फॉरेन करेंसी आई, ऑल फॉरेन करेंसी गोज टू द इशुइंग कंपनी. तो ये तो हो गई कैपिटल रेजिंग. नाउ दूसरी होती है नॉन कैपिटल रेजिंग. अगर नॉन कैपिटल रेजिंग की बात करें इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं आता. कैपिटल रेजिंग के केस में फ्रेश इशू आया था लेकिन नॉन कैपिटल रेजिंग के केस में कोई फ्रेश इशू नहीं आता है. यहां पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ही शेयर्स डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास सबमिट किए जाते हैं और उन्हीं जमा शेयर्स के बेसिस पे, अंडरलाइन शेयर्स के बेसिस पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसको? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसको? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को. ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक वहां पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है और वहां से जो फंड आता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी वो इश्यूअर कंपनी के पास ना जाते हुए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वो फंड जाता है. हाँ, कंपनी का जो खर्चा आता है, कंपनी ने क्योंकि स्पॉन्सर किया है, कंपनी का जो खर्चा आता है वो कंपनी का खर्चा काटने के बाद जो फंड होता है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है. इसे बोलते हैं नॉन कैपिटल रेजिंग स्पॉन्सर्ड इशू. सिंपल सी बात है, अगर एक एक चंद लाइनों में, चंद शब्दों में, नॉट लाइन, मैं अगर अंतर करूं स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड का, तो इन स्पॉन्सर्ड के केस में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है लेकिन अनस्पॉन्सर्ड के केस में किसी तरीके का कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो बुक है, हमारे जो नोट्स है उसमें क्या लैंग्वेज दी है और उसको एक बार पढ़ते हैं. डीआर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014. डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, किस लोकेशन पे वो इशू किए जा रहे हैं, जिस लोकेशन पे वो इशू किए जाते हैं उसी के बेसिस पे नाम दिया जाता है. जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट उनको हम बोल रहे हैं क्योंकि वो अमेरिकन जो डिपॉजिटरी अमेरिका में है वो वहां पे इशू कर रही है.
उसी के साथ साथ यूरोप में अगर जा रहे हैं तो अदर देन अमेरिका हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्पॉन्सर्ड इशू. ओके, अ स्पॉन्सर्ड इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज बेस्ड ऑन अ स्टॉक एग्रीमेंट. इट मीन्स इन दिस केस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इशूइंग कंपनी एंड ओडीबी, बिटवीन फॉरेन डिपॉजिटरी एंड इशूअर सिक्योरिटीज फॉर क्रिएशन ऑफ फॉर व्हाट डिपॉजिटरी रिसिप्ट. द स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड क्या क्या, इट मे बी कैपिटल रेजिंग और इट मे बी नॉन कैपिटल रेजिंग. नाउ फर्स्ट वन, द इंडियन इशूअर डिपॉजिट द फ्रेशली इशूड सिक्योरिटी विद डोमेस्टिक कस्टोडियन. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सच डिपॉजिट फॉरन डिपॉजिटरी क्रिएट्स इशू डिपॉजिट रिसिप्ट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर. इसे क्या बोला जाता है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल रेजिंग एक्सरसाइज बिकॉज द प्रोसीड्स ऑफ द होल सेल ऑफ डिपॉजिटरी गो फॉर इंडियन इशूअर. वो किसके पास जाती है, ध्यान देना इस बात पे, वो किसके पास जाती है, इंडियन इशूअर मतलब कंपनी के पास जाती है. ओके, नॉन कैपिटल रेजिंग की केस में नो फ्रेश अंडरलाइंग सिक्योरिटीज. यहां पे किसी तरीके का नया शेयर इशू नहीं होता, रादर देन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ही जो पहले से इशूड शेयर्स ही हैं वही रखे जाते हैं किसके पास, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास, एंड देन इशू किए जाते हैं डिपॉजिट रिसिप्ट अब्रॉड. अगेन इसको क्या बोला गया, क्योंकि इसमें कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन कैपिटल रेजिंग, या दिस इज नॉट अ कैपिटल रेजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन इशूअर. एंड प्रोसीड्स, यहां पे इंडियन इशूअर के पास गई थी, प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट गो टू द होल्डर्स ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हम बोल सकते हैं. इस केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास क्या जाती है, फंड्स जाते हैं, और उस केस में इंडियन इशूअर के पास जाते हैं. दोनों में इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हमारी कंपनी का होता है, और कंपनी जो पैसा देती है डायरेक्ट पैसा नहीं भेजती, अपने एक्सपेंसेस जो उसके हुए हैं वो डिडक्ट करने के बाद पैसा वापस करती है. अब देख लेते हैं, अनस्पॉन्सर्ड, देयर इज नो स्टॉक एग्रीमेंट बिटवीन द फॉरन डिपॉजिटरी एंड द इंडियन इशूअर. वो मैंने डायग्राम में क्लियर कर रखा है, कोई भी पर्सन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इशूअर अपने डिपॉजिट करता है शेयर्स किसके पास, डीसीबी के पास, और फॉरेन डिपॉजिटरी अब्रॉड वहां पे डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर देती है अंडरलाइंग शेयर्स के अगेंस्ट. द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ सच डिपॉजिट रिसिप्ट गो टू द होल्डर ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज. इट मीन्स यहां पे इशूअर का कोई रोल नहीं होता है, और यहां पे इशूअर का एग्जाम में अगर एक ही सेकंड में हमें समझना है, ईश्वर का रोल होता है यहां पे, ईश्वर का कोई रोल नहीं होता. उसी के साथ साथ हमारी डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिस्टेड और अनलिस्टेड भी हो सकती हैं.